सो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SMP पियानो लवर में। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जब तक ये नहीं करोगे तो नहीं होगा आपको स्वर ज्ञान। आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, राग थाट, स्वर ज्ञान, अलंकार, कार्ड, मेजर कार्ड, माइनर कार्ड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संपूर्ण। अगर आप इस 20 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो आपको आसानी से ये आ जाएगा मित्रों। तो दोस्तों, मैंने मोबाइल पर डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे गामा पद नीस। यहाँ पे देखिए, आप मोबाइल के माध्यम से समझ सकते हो कि यहाँ पे कहाँ से कौन सा स्वर कहाँ की ओर जा रहा है, और हमारे सारे गामा पद निशा। जिस प्रकार से मैंने आपको मोबाइल के स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये वाला जो सुर है ये आपको आसानी से बजाना आ जाएगा मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा सा, और ये हमारा हो गया रे, और ये गा, और ये हो गया मा, और ये पद, और ये नी और सा, ठीक है मित्रों। तो ये कैसा है ये हम यहाँ पे भी बता देते हैं आपको। जैसे ये हमारा हो गया सा, ठीक है मित्रों, ये हो गया हमारा सा, तो ये भी हो गया हमारा सा। ये वाला हम काले तीन से बता रहे हैं आप लोग को, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है मित्रों। ये हो गया हमारा सा। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सा, और ये हो गया हमारा पहला सा, ठीक है, ये हो गया हमारा सा। उसके बाद हो गया हमारा ये कोमल रे, नीचे का जस्ट यहाँ से कैसा डायग्राम बन रहा है वो आपको समझना है, ठीक है। ये हो गया हमारा रे, तो ये हो गया हमारा रे, ठीक है, ऐसा, ठीक है, नीचे की ओर इशारा कर रहा है ना, नीचे की ओर, यहाँ पे नीचे, तो ऐसा है, ठीक है मित्रों। तो ये हो गया हमारा रे, ठीक। उसके बाद आता है हमारा शुद्ध रे, ठीक है दोस्तों, ये है हमारा शुद्ध रे, तो ये हमारा हो गया शुद्ध रे, ठीक। तो ये हो गया हमारा शुद्ध रे, ठीक है मित्रों। फिर उसके बाद आता है हमारा गा, ठीक है मित्रों, ये हो गया हमारा गा। तो ये गा कहाँ से आएगा ये हम आपको बताते हैं यहाँ पे, ये हमारा कोमल गा, ठीक है मित्रों। तो ये होगा हमारा कोमल गा। डायग्राम जिस हिसाब से आपको दिख रहा है उस हिसाब से ये हमारा सारे गामा पाधनी सा है, ठीक है मित्रों। अगर आप इस चीज़ का खेल समझ गए तो आपको पूरा गाना, म्यूज़िक, हर एक चीज़ में बजाना आ जाएगा मित्रों, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये हो गया हमारा कोमल गा, तो ये हो गया कोमल गा, ठीक है। सा यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, कोमल रे, ठीक है, शुद्ध रे ऊपर की ओर है, और यहाँ पे गा है, और यहाँ पे शुद्ध गा है, ठीक है, बराबर में है। और म है हमारा यहाँ पे ऊपर चढ़ाव, यहाँ प है, यहाँ पे ध है, और यहाँ लास्ट हमारा सा हो गया, ठीक है। जो कोमल स्वर है वो नीचे की ओर दर्शाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कोमल रे का नीचे के चिन्ह है, कोमल जो स्वर है जिसमें चिन्ह है, ठीक है। और ये हमारा तीव्र मा होगा, ठीक है मित्रों, शुद्ध मा हमारा ये होगा, तीव्र मा ये होगा, ठीक है मित्रों। तो हमारा ध है कोमल, और यहाँ पे नी है, और एक और नी है मित्रों, ठीक है, एक कोमल नी और एक शुद्ध नी आता है। तो मित्रों, आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इसी का खेल आप जब समझ जाओगे तो आपको हर एक म्यूज़िक पार्ट बजाना आ जाएगा। तो मित्रों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है। ये डायग्राम है आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये वाला हो गया हमारा पहला सा, ठीक है मित्रों, ये हो गया हमारा सा, और ये हो गया हमारा रे, ठीक, और ये हमारा होगा कोमल रे, ठीक है मित्रों। तो आपको एक, ये तो कार्ड बन ही चुका है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सारे गामा पाधनिसा सानी धापा मगरेसा, ठीक है। आपको बोला जाता है कि ये रटना है, आपको रटना नहीं है, इस चीज़ को आपको मालूम करना है कि कहाँ पे कौन सा सीक्वेंस आ रहा है। जैसे कि आपको एक उदाहरण बताते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो हमारा जो एक निकल रहा है हमारे मुँह से, है ना, एक मुँह से हमारा निकलने वाला है एक
था स्वर ही निकल रहे हैं, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक अलाप छिपा रहता है और इसमें एक सीक्वेंस है, ठीक है। कैसा सीक्वेंस? जैसे सिंगर लोग गाते हैं तो उसका सीक्वेंस अलग होता है। देखिए, हमारे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं सभी के मुखारबिन से अलग अलग स्वर निकलते हैं, ठीक है मित्रों। किसी का गलत तो नहीं जो एकदम सेम निकलता हो, तो ऐसा नहीं होता मित्रों, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देने योग्य बात है। तो आपको जिसका भी स्वर जहाँ से निकलता है वो एक स्किल का चुनाव कर लेना है। मैं हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ और हमेशा इस चीज़ को बोलते रहता हूँ। तो मित्रों, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को आपको इस तरह से समझना है। यहाँ से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको स्पष्ट, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। कैसे आना चाहिए वो चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्पष्ट देख रहे हैं, ये हमारा है सरे गामा पा ध निसा का डायग्राम, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा, ठीक है मित्रों। तो ये चीज़ आपको हमेशा करना है। जब आप प्रेस्टिक के लिए बैठे होगे तो ये चीज़ आपको आना चाहिए मित्रों, ठीक है। और जब यहाँ चीज़ आपको आ गया तो आप हारमोनियम का उस्ताद बन जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। आपको हमेशा सारे गामा रटना नहीं है, क्योंकि मित्रों जब आप सारे गामा रटते रहोगे तो आपको स्वर ज्ञान होगा कब, ये बताइए। जब आप म्यूज़िक सीखने के लिए कहीं जाते हो तो आपको बोला जाता है कि आप सारे गामा रट लो और उसके बाद आपको गाना बजाना आ जाएगा। तो कौन कौन ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं जो सारे गामा करके आज गाना बजाना सीख गए होंगे, है नहीं मित्रों, बताइए। कोई ऐसे हैं जो सारे गामा करके पूरा गाना बजाना आ गया होगा उसको? तो ऐसा नहीं है प्यारे साथियों। आपको सिंपल, ठीक है, जो हमारे राग है, थाट है और स्वर ज्ञान का जो होता है मेथड, वो हर एक चीज़ आपको करना ज़रूरी है। जैसे कि देखने एकलव्य और कर्ण, ठीक है दोस्तों। एकलव्य और कर्ण दोनों एक धनुधर थे, ठीक है। जिस प्रकार उन्होंने जितना रियाज किया, ठीक है, जितना मेहनत किया, उस हिसाब से उन लोग बहुत बड़ा धनुधर बन गए। तो हमारे सामने इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं, इतने बड़े बड़े जो हम आपको बताते हैं और वो चीज़ आपको सीखने योग्य बातें हैं जो हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो वो अपने मेहनत के हिसाब से उन लोग बने हैं, तो आपको भी इस चीज़ को मेहनत करना है, तभी आप एक कामयाब बन पाओगे इस पियानो पर, ठीक है मित्रों। तो ये चीज़ है, आइए हम पियानो पे देखते हैं कि कौन सा कहाँ से निकल रहा है स्वर, ठीक है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, हम इस मेथड से आपको बताने वाले हैं। चलो हम इसको हटाते हैं और हम अपने पियानो की ओर चलते हैं मित्रों, ठीक है। ये हो गया हमारा पियानो, ठीक है। ये तो इस पे आपको गाना बजाना कैसे है और इसमें स्वर ज्ञान होगा कैसे, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। आपको 12 स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। 12 स्वर कहाँ से उठते हैं वो चीज़ भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपको 12 स्वरों का ज्ञान नहीं होगा तो आपको पियानो बजाना नहीं आएगा मित्रों, ठीक है। ठीक, ये हमारा शुद्ध स्वर होते हैं और इसमें कोमल स्वर जो होंगे रेगा धनी ठीक है मित्रों, ये काली तीन से मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने तीन जो लिए थे, ठीक,
ठीक। इसमें 12 स्वर हैं, कौन कौन से? सा, डायग्राम में आपको स्पष्ट दिखाए हैं, बता भी देते हैं ताकि आपको समझ आए। सा, ठीक, ये सा, रे, ये कोमल रे, शुद्ध रे, ठीक है प्यारे साथियों। 1, 2, 3 हो गया। ग, ये कोमल ग है, 4 हो गया। शुद्ध ग, 5 हो गया। म, शुद्ध म, 6। तीव्र म, 7। शुद्ध प, 8। कोमल ध, 9। शुद्ध ध, 10। कोमल नी, 11। शुद्ध नी, 12। यहाँ से हम आपको 12 स्वरों का नाम बता दिए, ठीक है मित्रों। अब इसी 12 स्वर को आपको आपके माइंड में कैच कर लेना है, ठीक है। आपको सारे गामा नहीं करना है, कैच कर लेना है। कैच का मतलब इस चीज़ का जो निकलने वाले जो सुर है, धुन है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है, आपके माइंड में आना चाहिए प्यारे साथियों, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। रटना आपको नहीं है, सिर्फ आपको इस चीज़ को याद रखना है। या तो आप बटन का सहारा ले सकते हो, जैसे हमारा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ऐसे करते करते आपको बटन के सहारा लेकर आप इस चीज़ को कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, तो हमारा ये शुद्ध स्वर हो गया जो 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। कोमल स्वरों के साथ 12 होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना कैसे है, याद करना कैसे है आपको? तो आपको याद करने के लिए सिंपल सी, आपका जो गला है वह मैच करना चाहिए, उसी हिसाब से आपको स्वर ज्ञान होगा मित्रों। मैं सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। आपको स्वर ज्ञान करने के लिए आपको बराबर यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ठीक है, स्वर जो होते हैं, इसको बराबर आपको याद करने होंगे। याद करना कैसे है, तो आपको सा, ठीक है, सा जो है यहाँ पे ये वाला है सा हमारा, ठीक है, सा। तो यहाँ पे जैसे देखिए मेरा आवाज यहाँ पे बराबर मैच कर रहा है ना, ठीक है मित्रों। यहाँ से हमारा आवाज बराबर मैच कर रहा है, तो हम यहाँ से कोई भी गाना गा सकते हैं, बजा सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, ये हमें ज्ञात हो गया, ठीक। ठीक, तो आपको इसी तरह आपको ये चीज माइंड में बैठाना है, ठीक है। यहाँ से निकलने वाले जो धुन है, जो सुर है, ठीक है, उसी चीज को आपको याद करना है। सारे गामा नहीं करना है आपको, ठीक प्यारे साथियों। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे और जो स्वर बच जाते हैं, वो उसको आप आसानी से ऐसे करके ले सकते हो, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये चीज़ आपको करना है कम से कम सुबह के टाइम, एक प्रातः काल आप जब सुबह उठ जाते हो, तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसको जब आप कर लिए, तो इसका जब प्रेस्टिक, ठीक है, मतलब इसका जैसे आप सुबह इसको पढ़े मतलब याद किए, उसके बाद शाम को इसका प्रेस्टिक कीजिए, कोई भी गाना है यहाँ पे बजाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर वो गाना आपसे नहीं बज रहा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अभी तक स्वर ज्ञान हुआ नहीं है, ठीक है मित्रों। ये कड़वा बात है, लेकिन सही चीज़ है। जब आपको ये स्वर ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप कोई भी गाना नहीं निकाल पाओगे, ये बात सही है।
मैं आपको जो यहाँ रियाज बता रहा हूँ सारे गामा नहीं रटना है आपको, सिर्फ सिर्फ ये चीज कोमल स्वरों के ऊपर, शुद्ध स्वरों के ऊपर आप दोनों चीज करिए, कम से कम एक हफ्ता करिए, कम से कम 7 दिन पर डे, ठीक है, सुबह हो या शाम हो, ठीक है। और जब आप म्यूज़िक सीखने के लिए बैठते हो तो कोई प्रकार के मन में विचार नहीं आने चाहिए, मतलब कहीं मेरा कुछ काम रह गया तो कुछ यहाँ पे कुछ करना था तो मुझे बजाकर कहीं जाना है, तो ऐसा नहीं है। आप एकदम निश्चिंत होके बैठिए, मतलब सब सारा काम करके बैठिए ना भाई, है ना। आपको कहीं जाना है तो चले जाइए, बाद में सीखिए, है ना। तो कुछ काम करना है तो आपको पहले करना है, ठीक है मित्रों। तो ये चीज़ है, आपको कोमल स्वरों और शुद्ध स्वरों दोनों को एक साथ लेना है। लेना कैसे है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, हमने यहाँ पे जो कोमल रे था और शुद्ध रे तीनों बटन को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे शुद्ध गा और ये कोमल गा, कोमल गा हमारा ये होगा, शुद्ध गा हमारा ये होगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये हो गया हमारा शुद्ध मा। इन लोग को करना कैसे है, इन जो स्वर है इसको करना कैसे, एक साथ करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले आप कोमल स्वरों को करिए, मतलब कैसे करना है, गला मैच होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आपका गला प्रॉपर यहाँ पे मैच करना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे स्वर ज्ञान प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, ठीक है मित्रों। पहले कोमल स्वरों को देखना है, मैंने अभी बताया है, और शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर आपको पहले करना है, कोमल स्वरों को बाद में करना है। और इसका टेस्ट भी करना है ना, टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको आंखें बंद कर लेना है, ठीक है। और आपको पता है कौन सा स्वर कहाँ पे है, तो आपको आंखें बंद करके, मैं एकदम सटीक तरीका आपको बता रहा हूँ, आंखें बंद करके यहाँ से यहाँ, ठीक है, आप ऐसे करिए। उसके बाद कोई भी बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका काला बटन है मतलब ये शुद्ध स्वर है, आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है, ना यहाँ पे टच भी नहीं करना है, ये कौन सा स्वर है आपको याद, आपको आंखें बंद करके ये चीज करना है, आप तो यहाँ पे प्रेस टिक किए हो ना भाई, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कौन सा बटन हम क्लिक किए हैं, आंखें बंद करके आप इस चीज को पता अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज आपका परीक्षण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप आंखें बंद करके इस चीज़ को अगर बता पाओगे कि ये वाले जो स्वर है वो शुद्ध पा है, तो आपको आसानी से धीरे धीरे आपको स्वर ज्ञान होते जाएगा मित्रों, और ऐसे करते करते आपको पूरा स्वर ज्ञान हो जाएगा इन 12 स्वरों का, ठीक है मित्रों। उसके बाद आपको ये शुद्ध स्वरों के बाद कोमल स्वर करना है, कोमल स्वर करने के लिए क्या है, एक एक को छोड़ देना है, पहले कैसे इसको करने के बाद आप कोमल गा करिए, तीव्र मा करिए,
ठीक है, उसके बाद ध करिए, उसके बाद नी करिए। तो आपको इसी प्रकार आपको इस चीज़ को स्वर ज्ञान को करना है। ये चीज़ आएगा तभी आपको स्वर ज्ञान हो पाएगा मित्रों, और कोई भी गाना आप आसानी से बजा पाओगे। आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ये हमारा एक मेहनत होता है। आशा करते हैं प्यारे साथियों सब बढ़िया होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।